जय हिंद फ्रेंड अफेयर्स देखते हैं। कल भी छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी थी, आज के करंट अफेयर सारे अच्छे वाले करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट करंट अफेयर जो है साइक्लोन से है, मैंने सारे आपको डिटेल में दे दूं, वो कम गया, ठीक है। रिसेंटली ये जो साइक्लोन है धाना, क्या है धाना, ये अभी चल रहा है, इंडिया में पहुंचेगा कुछ समय के बाद, अभी इंडिया में नहीं पहुंचा, या अगर इंडोनेशिया पाकिस्तान इन सारे रीजन में आएगा, तो पाकिस्तान आए तो इंडिया में आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये देखो आगे थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। पहले एग्जाम में आते थे कि धाना साइक्लोन कौन सी प्लेस में आया, ठीक है, रिसेंटली कौन सी कंट्री को लिख दिया है धाना साइक्लोन, बट अब जब भी साइक्लोन का क्वेश्चन आता है वो इस तरह कभी नहीं आता। अब क्वेश्चन किस तरह आता है कि कौन कौन सी कंट्रीज ने, ठीक है, नाम दिए हैं, ठीक है, नाम ये मैंने सारे इस साल के जो भी साइक्लोन्स आए हैं, चाहे वो मेजर है माइनर है, उन सब के मैंने नाम, साइक्लोन्स के नाम और उनकी कंट्रीज, किस किस कंट्री ने कौन कौन से साइक्लोन को कौन कौन सा नाम दिया है। दाना नाम दिया है कतर ने दिया है, याद रखिएगा, धाना मैंने लिखा नहीं है, कतर ने दिया है। रीमल भी इस साल आया था, ओमान ने दिया है। विपर जाए इंडिया का डिजास्टर, लास्ट ईयर ये डिजास्टर बहुत लाया था, ठीक है, गुजरात में, ये बांग्लादेश में गया। मालदीव्स ने, ये मैदी ली भी इस, ये भी लास्ट ईयर आया था, इसको मैदी मालदीव्स ने दिया था। सऊदी अरेबिया में रिसेंटली ये भी देखा गया फैंगल, और पाकिस्तान असना, ईरान हमून, इंडिया तेज और म्यांमार मिचोंग। ये 23 जो लास्ट सितंबर अक्टूबर से लेके अब तक जो साइक्लोन्स आए हैं, कौन कौन से देश ने लिया, ये सारे वो साइक्लोन्स हैं, लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी हो सकता है इस बार नहीं आए, नेक्स्ट एग्जाम में आए, बट ये सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है जो देखने को मिलता है, ठीक है। पीछे देखो, इस साल जो जो डिजास्टर्स हुए, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था मैगली, ऑस्ट्रेलिया ने इसका नाम दिया था, किसने दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। अब देखो साइक्लोन्स को देखिए फॉर दो मिनट, हर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इंडिया के साइक्लोन्स को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, हर एक देश में अलग अलग। अभी रिसेंटली यूएसए में बहुत बड़ा साइक्लोन आया है, वहां की बहुत सारी प्लेसेस को हिट किया है, आप उसका नाम मुझे बताओ, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए जगह। अब यहाँ देखो साइक्लोन्स, इंडिया चाइना, मैंने लिखूंगी आंसर किसी का, आज मैंने बहुत बार करवाया है, मैंने देखा है कि आप लोगों को करवाने के बाद जो मैं मुझे एक ऑस्ट्रेलिया बोलूंगी ना, उसका आंसर फटाफट दोगे बिल्ली बिल्ली, वो आप सबको आता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। साइक्लोन हरिकेन कहाँ आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ आता है, ठीक है, और कौन से साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन किस, साइक्लोन्स किस देश में कहा जाता है, टाइफोन्स, ठीक है, मैं आपको साइक्लोन्स के नाम लिखती हूं, सॉरी, हरिकेन टाइफून, आई मैं एक कभी आंसर नहीं देने वाली, ठीक है। बिली बिली तो आपको वैसे रटौता है होगी, ये मच्छा, बिली बिली, हरिकेन, टाइफोन, बिली बिली, साइक्लोन एंड, ठीक है, ये सारे साइक्लोन्स के नाम आप मुझे बताओगे, और एनडीए में जो पार्ट वन में इस बार एग्जाम में क्वेश्चन था वो साइक्लोन्स से था, सीडीएस में टफ क्वेश्चन आते हैं साइक्लोन से, एनडीए में भी टफ ही पूछे जाते हैं, बेटे ट्रॉपिकल रीजन में कौन से आते हैं, इस तरह के भी साइक्लोन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मेघन जो साइक्लोन है ये भी ऑस्ट्रेलिया में आया था, सीवियर था, बहुत सारे नुकसान किया रिसेंटली, साइक्लोन हिदिया ये भी तंजानिया में आया, दर यहाँ पे याद रखिएगा, दर एसलाम कोस्ट कौन सा है, दर एसलाम के पास साइक्लोन हिदिया जो है तंजानिया में आया, तंजानिया वैसे भी याद रखिए अफ्रीकन देश है, और भारत का पहला आईआईटी
सेंटर जो खोला गया आउटसाइड इंडिया वो तंजानिया में ही खोला गया था 2023 बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। रीमेल जो है ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कोस्ट में आया था और इसका नाम ओमान दिया गया था। एक साइक्लोन आया जिसका नाम था सैंड, उसको सैंड के नाम से बुलाया जाता था। आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, उस साइक्लोन को क्या कहा जाता है? ठीक है, यूएई में आया। कहां पे आया था वो? यूएई में। रिसेंटली करंट अफेयर का ही वो भी पार्ट है। ठीक है, ये सारे साइक्लोन याद कर लो, इनका चार्ट टेबल जरूर बनाइए। ये कभी भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इस बार नहीं आएंगे तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, इनकी गारंटी नहीं होती। हो सकता है आपके जीके एसएसबी में यही क्वेश्चन हो कि कौन सा साइक्लोन कौन से देश को हिट किया। ड्रोन ड्रिल, इंडिया ने ड्रोन ड्रिल 3.5 बिलियन किस कंट्री के साथ साइन किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं किया है, इटली के साथ भी नहीं किया, रशिया के साथ भी नहीं किया, यूएसए के साथ। अभी जो वॉर चल रही है, बहुत से लोग बोल रहे, कभी कभी बीच में आते रहते हैं, शोर आता है इजराइल में जो वेपन्स यूज हो रहे हैं उसमें इंडिया के भी हैं। अब इंडिया किसी भी देश के साथ अगर किसी को देश को वेपन सेल करेगा, क्या वो क्राइम हो जाएगा? यूएसए भी तो दे रहे सबको, ठीक है, सब मार्केटिंग कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बाकी जो देश लड़ रहे हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं। यूएसए को तो चारों तरफ से फायदा है, वहां पे यूक्रेन है, यहाँ पे इजराइल है, और भी बहुत 44 कंट्रीज इस टाइम वर्ल्ड की जो क्या वार जोन में है, सिर्फ हमें वही जो दिखाई देती है रशिया और इजराइल, 44 कंट्रीज हैं जो वॉर जोन, जो वार लड़ रहे हैं, याद रखिएगा। अब घर जाके रिसर्च कीजिए 44 देश वो कौन से। डिफेंस की क्वेश्चन देखिए, आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने, अभी ये मैंने पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनमें से आधे हम पढ़ चुके हैं, आधे नहीं पढ़ चुके। आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज की, वहां पे भी ये कल पढ़ेंगे डिटेल में, आज सिर्फ डिफेंस के हाईलाइट देखिए। इंडिया और ओमान ने एक मिलिट्री नेवल ड्रिल किया जिसका नाम है नसीम अल बहार, कहां पे? गोवा में। नसीम अल बहार जो है भारत और ओमान के बीच होती है। पहला फेस इंडियन कमांडर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का, ये पहला फेस है जो सिक्किम फॉरवर्ड में किया गया है, फॉरवर्ड एरिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड सागर कवच, सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सिक्योरिटी ड्रिल हर्सल करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, सागर कवच। और थार्ड, मेरे को एक बच्चे ने आंसर दिया था, तुम दिया था, किसी ने दिया था, मैंने आपसे परसों एक क्वेश्चन पूछा था कि इसराइल को किसने अपना डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्शन दिया है, ये दिया है यूएसए ने, और उसका नाम क्या है? थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये जो पांचों क्वेश्चन आपके सीटीएस के लिए इम्पोर्टेंट, अभी एक एक कर डिस्कस करेंगे, बट ये जो कल और परसों करंट अफेयर हो चुका है, ये यही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने नहीं किए। देखिए भारत, कल आपको मैंने बोला था एनडीए वालों को, तुमने किया काम, चेक करवाना क्लास किया, ठीक है। मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइजेस, भारत की मिलिट्री मैंने आधी लिखी है, पूरी नहीं लिखी, क्योंकि मैंने एनडीए और सीडीएस को काम दिया हुआ। विक्रांत, तुमने लिखी है? तुमने, आपने नहीं, ठीक है। यूएसए के साथ युद्धाभ्यास वज्र प्रहार, गडुरा ने लिखी, बताओ भाई गडुरा किसके साथ करता है? गडुरा एक्सरसाइज भारत कौन से देश के साथ करता है? भूटान के साथ, और इजराइल, वेरी गुड, और सेचल्स, वेरी गुड, नेपाल, सूर्य किरण करेंगे नेपाल के साथ, ठीक है, और हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड किसके साथ करता है? एक ही बार हुआ है, हैंड इन इंडिया और चाइना के साथ कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता। इंडिया ने 2018 या 17 में चाइना के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, दैट इज हैंड इन हैंड। और बोलो भाई, अभी क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? गरुड़ा इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया, याद रखिएगा, इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के सामने भगवान, वहां पे गरुड़ा भी बने हुए हैं, और जो भगवान ने अर्जुन का ज्ञान दिया था रथ पे,
और गीता का ज्ञान दिया था रथ पे, वो भी वहां पे उनके पोर्ट्रेट बने हुए, ठीक है। युद्ध अभियान यूएसए और वज्र परिहार भी यूएसए, मित्रा शक्ति श्रीलंका के साथ, एक्सरसाइज मैत्री श्रीलंका, भाई मैंने ये सेम लिखी है, मित्रा शक्ति मैत्री, मित्रा शक्ति श्रीलंका, मैत्री थाईलैंड के साथ, शक्ति श्रीलंका के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, अजय बौद्ध यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंद्रा हम रशिया के साथ, नोमैडिक एंडिफेंट मंगोलिया के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। मंगोल जो थे ना, ये क्या थे लिख लो, इन्हें मैं स्टोरी सुना देती हूँ तुमको। मंगोल जो थे ना, ये ऊपर के रीजन में आते, इक्वेटर से थोड़ी दूर आते हैं, ठीक है। जहां पे मंगोल रहते हैं ना, वहां पे हमेशा बर्फ रहती है, खाने को बहुत कम मिलता है, ठीक है। ये इस्किमोस भी कहलाते थे, इनके पास खाने को कुछ नहीं था। जब ये मंगोल्स, आप मुझे क्वेश्चन बताओगे कि कौन सा मंगोल भारत में पहली बार इन्वेडर बन के आया, ठीक है, इन्वेडर बन के आया, चंगेज खान। जब ये मंगोलिया भारत में आया, उन्होंने देखा ऐसा भी थी, मतलब दे वर सरप्राइज टू सी द इंडियन इकोनॉमिक्स, और ये सब देख के वो क्या हो गए, हैरान हो गए कि ऐसा भी है। फिर वो क्या करे, बार बार आए, और वहां भी मंगोल जो थे ये एक तरह के माल कटाई करते ही रहते थे, क्योंकि छीनना, क्योंकि फूड कम होता था, खाने को कम मिलता था, इकोनॉमिक कंडीशन वहां की वर्स थी। तो ये क्या करते थे, जब इनका मन करता था भारत में एंटर करते थे। जब भारत में एंटर करते थे, अभी तेरे शोर का हिल, ठीक है, जब भारत में एंटर करते थे तो क्या करते थे, लूट के ले जाते थे। इस तरह ये आते जाते भारत को लूट के चले जाते, कौन, मंगोल्स। और करंट अफेयर मैं आप सबको बार बार बोल रही हूँ, मेरे पास पुराने स्टूडेंट्स की नोटबुक बड़ी पड़ी है, बाद में इधर ही छोड़ जाते हैं, जो मैथ में कम ध्यान देते हैं, रीजनिंग में कम ध्यान देते हैं, इंग्लिश में कम ध्यान देते हैं, सारा दिन करंट अफेयर बनाते रहते हैं। भाई आप करंट अफेयर मत बनाओ, मैं बार बार बोलती हूँ, कुछ वर्ड्स पे यकीन करना सीखो, समर्पण करना सीखो। तैयारी में आपको करवा दी, आपका मेन फोकस है तीन सब्जेक्ट्स, पहले मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उस पे काम करो। करंट अफेयर की नोटबुक्स मत बनाओ, करंट अफेयर हजारों साइट्स हैं, हजारों आपके पास क्या है, सोर्सेज हैं करंट अफेयर के, हजारों यूट्यूब में चैनल्स हैं। आप मेरा कम देखते होगे, वो ज्यादा देखते होगे, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। बट आप मैथ पे बहुत फोकस करो। तीन जो भी बैठे हैं यहाँ पे, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, सकल 3 मंथ लगाओ मैथ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करो, 3 मंथ्स मैथ पे डट के काम करो। मैथ्स पे काम करोगे तो आपका आने वाला जो भी एग्जाम होंगे ना, उसमें आपके एक नंबर दो नंबर से रहेगा। फिर जो एग्जाम में बैठना आ जाएगा ना, लिखना आ जाएगा, फिर एक भी नहीं रहेगा, आपकी सिलेक्शन लिख के दे देती हूँ 100%। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे काम करो। नॉवल्स एक डेली पढ़े, एक नॉवल पढ़े, छोटा सा ले कोई ईजी वाला, अगर किसी को इंग्लिश में मुश्किल है वो इजी वाला इजी लैंग्वेज वाला, बड़े से राइटर के इजी इंग्लिश लैंग्वेज, या हिंदी मत पढ़ो क्योंकि मैथ नहीं निकल, वो इंग्लिश के इजी लैंग्वेज के भी नॉवेल्स आते हैं, वो पढ़ो, आपका अच्छा हो जाएगा बेस। और काम आप करंट अफेयर पे थोड़ा कम करें, ठीक है, करंट अफेयर पे अभी इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अभी 3 महीने आप इन तीनों सब्जेक्ट पे डट के काम करो, ओके। सीजीएल दिसंबर में आएगा, तब अभी रेलवे का आपका आने वाला है, रेलवे का एग्जाम में डट के ग्रुप बना लो, इतना आज हमें मैथ का ये चैप्टर करना है, वो करना है, रीजनिंग का ये पार्ट करना है। देखो अपने आप ही जो पहले 2022 में जो हमारा लास्ट बैच था, उसके बाद अभी वो पूरा ग्रुप ही ऐसे बन जाते थे कि उठते ही नहीं थे, आज उन्होंने ये सब्जेक्ट करना है, घर के खत्म होना, उठना के जाना है। इसने तो पीरियड देखा है, कभी कभी जिंदगी डेस्टिनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी किसी के लिए, इसके लिए तो डेस्टिनी बोल सकते हैं लोग, ठीक है, डेस्टिनी ने इसके साथ अच्छा नहीं किया कि नहीं किया, ठीक है ना। ये जो पढ़ते थे इसने, पूछ लो इससे लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। डायरेक्टर बनाए गए क्रिकेट के GSW स्पोर्ट्स के लिए, और ये जो होते हैं एथलीट्स को एनकरेज करने के लिए होते हैं, और सौरभ गांगुली को अपॉइंट किए गए एज अ
डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट JSW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्पोर्ट्स के प्रिंट है, इंडिया ने खो खो वर्ल्ड कप इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा 2025 में। कॉमनवेल्थ गेम विद्रॉ कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बहुत पड़ती थी, उसकी जगह 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कौन होस्ट करेगा, स्कॉटलैंड करेगा। ये हम कर चुके हैं, बार बार आ रहा है, इसका मतलब जब मैं बार बार कुछ क्वेश्चन डाल रही हूँ तो वो मोस्टली एग्जाम में होता ही है। नोवाक जोकोविक को हराने वाले कौन है, जैनिक सीनर, और इन्होंने शंघाई मास्टर फाइनल जीत लिया है। अरुण वाजपेयी जो है ये इंडिया यंगेस्ट माउंटेनियर है, इन्होंने चाइना की एक माउंट पीक को जिसका नाम है शीशा पंगमा, क्या है, शीशा पंगमा। आप मुझे बताइए भारत की पहली माउंटेनियर कौन है जो विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पे, विदाउट एक्स। चलो मैं फर्स्ट वर्ड बता दूं, प्योली, नहीं प्योली नहीं, एक्सप्रेस नहीं है, पी से ना, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। भारत की पहली फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा भारत इतने पहला बता देते ना, रिवाइज करो बुद्धि को थोड़ा, सीपीयू वार करो ना। पहली फीमेल बचिंद्री पाल, दो बार जो पहली फीमेल माउंट एवरेस्ट गई वो कौन है, संतोष यादव, ठीक है, कौन है, संतोष यादव। और पहली फीमेल जो जेनको तापी, वर्ल्ड की जो पहली फीमेल माउंट एवरेस्ट गई जेनको तापी, जेनको तापी कहाँ की थी, जापान की। और फर्स्ट मेल कौन गए थे बोलो, माउंट एवरेस्ट में वर्ल्ड के फर्स्ट मेल कौन गए, सिमरन, नहीं पता क्या हो गया, क्या हो गया, शेरपास और तेंजिंग नॉर्वे, तेंजिंग नॉर्वे शेरपास जो थे वो पहले दुनिया के व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट गए। और पहले भारतीय मेल कौन है, अवतार सिंह चीमा। भारतीय पहली इम्प्यूट होता है जिसके पास एक पार्ट सा बॉडी नहीं हो, ठीक है, अरोनिमा शर्मा। और आप मुझे बताओगे पहली भारतीय विदाउट ऑक्सीजन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है, क्या है, प्याली बासक, भारत, ठीक है, प्याली बासक। मैंने एग्जाम्पल आपको मजाक से वो भी दे दिया था, इतनी बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया, प्याली बासक वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। आयका मुखर्जी और इन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है इन दोनों प्लेयर्स ने, ठीक है। दूसरी है सुतीर्था मुखर्जी, ठीक है, मेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग फर्स्ट मेडल इन वुमेन डबल एट एशियन टेबल टेनिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट इन इंडिया हो गया, ठीक है। फर्स्ट डबल टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली भारतीय फीमेल कौन है, कहां पे, अस्ताना कजाकिस्तान, ये चैंपियन कहां पे, अस्ताना कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैप्टन अस्ताना। आयका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी इन दोनों ने पहला वुमेन डबल चैंपियनशिप जीत लिया, तो कहां पे, वो कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चीफ जस्टिस अब रिटायर होने वाले नवंबर में हमारे भारत के 50 चीफ जस्टिस, ठीक है, उनकी जगह नॉमिनेट हो किया, अभी फिलहाल देखते कौन आते हैं, संजीव खन्ना, एचजे कन्या फर्स्ट से डीवाई चंद्रचूड करंट है, और टीएस ठाकुर 42nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, टीएस ठाकुर क्योंकि ये जेएनके से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यही से चेक करते हैं, भद्रवाह किश्तवाड़ डोडा इस तरह की बैठ से करते हैं, ठीक है। दिया मिर्जा को एज अ ज्यूरी मेंबर अपॉइंट किया गया है एआरटी एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल में, याद रखेगा। अभी इनका नाम है अभय जिंदल को न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। प्रवीण वशिष्ठ को अपॉइंट किया गया है होम मिनिस्ट्री के अफेयर में, होम मिनिस्ट्री के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट के फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी में। भारत के जो पहले CDS थे बिपिन रावत, वो हमेशा होते थे कि बाहर के कंट्री से तो इंडिया लड़ लेगा,
ठीक है, बॉर्डर पर जो ढाई अंदर की इंटरनल, ढाई फुट अंदर के जो इंटरनल वॉर है ना उससे नहीं। अभी रिसेंटली हम बहुत सारी वॉर्स देखते हैं इंडिया में, अपने उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी कल हमारे आज हमारे स्टेट में क्या हुआ, ठीक है ना, दिल्ली में कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हाँ, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इंटरनल बड़ी थ्रेटन है भारत के लिए, अपने ही लोग थ्रेटन है कि सब कुछ मिलता है भारत में फिर भी वो भारत रहने लायक नहीं, ठीक है। एज पर मेश अपॉइंटिंग न्यू डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनडीए सीजीएस के लिए। मनीषी तिवारी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएगा नेस्ले इंडिया लिमिटेड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, ये प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश वाराणसी में तीन रीजनल एयरपोर्ट की क्या की है, इनॉग्रेशन की है। और ये तीनों जो रीजनल एयरपोर्ट है कनेक्टिविटी बनारस से उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बनाया गया। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पूरे देश का हर नागरिक के अंदर, ठीक है। रेवा एमपी में, रेवा में, छत्तीसगढ़ में अंबिकपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ये तीनों रीजनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट को क्या कर दिया है, कनेक्टिविटी दे दी गई है। और नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज है भाई, जो बना रही हूँ तो ज्यादा आंसर ये थे ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं आंसर। नेक्स्ट देखिए, जो सबमिट्स हो चुकी है इस बार, ठीक है, और जो होनी है नेक्स्ट 2025 में वो भी इसी में ही आएगा, ठीक है। 44, 45 हो चुकी है, पढ़ चुकी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था, 20 लॉस में हुआ। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है इन्होंने एससीओ मीटिंग की, अब विजिट किया आफ्टर 9 ईयर इन पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ने 6 क्वाड जो लीडर समिट हुई थी वो डेलावेयर विलिंगटन में हुई थी, जो बाइडेन के होम टाउन में, ठीक है। क्वाड ग्रुप जो है 6 क्वाड ग्रुप है, नेक्स्ट क्वाड जो मीटिंग होगी वो भारत में होगी। इंडिया विल होस्ट इंडिया 2025 में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट होस्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो चुकी है, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, ये होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया समिट 2024, ये आपकी आगे कॉन्फ्रेंस एंड समिट। नेक्स्ट देखो, इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एक एग्रीमेंट हुआ है, इंडो तुर्की फ्रेंडशिप ये कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में। ये जो एग्रीमेंट किया गया है इंडिया तुर्की के बीच, ये हैदराबाद में, दिल्ली में भी, मणिपुर में भी और गुजरात में भी, ये कहाँ किया गया है, हैदराबाद में। इंडो तुर्की फ्रेंडशिप मेरा इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन वाज लॉन्च्ड इन हैदराबाद ऑन 16 अक्टूबर लॉन्च की गई थी टू स्ट्रेंथन, किसकी स्ट्रेंथ है, इंडो तुर्की रिलेशनशिप की। ये तुर्की का नाम, तुर्की का न्यू नेम क्या है, तुर्की, ठीक है। और ये जो है इंडिया बांग्लादेश इन ये गवर्नमेंट भी कांग्रेस जैसी ही है, ठीक है। ITFA aim to enhance cooperation in economic, trade, culture, tourism, इन सब के बीच इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ये नेक्स्ट कल करेंगे, यहाँ तक रखेंगे जो भी सबकी क्लास में, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।